Hello friends, welcome to my channel LIS School, Library and Information Science School. आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है। अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है और आप सब जो हैं नेट के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ये जो टाइम होता है एग्ज़ाम का एक दो दिन का पहले का जो टाइम वो बहुत ही क्रूशियल होता है और उसमें जो है स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो सारा इसी चीज़ पे होगा। तो मैं आज कुछ शॉर्टकट शेयर करने वाला हूँ। ये कुछ ऐसे शॉर्टकट हैं, कुछ ऐसे एरिया मैं बताऊँगा जिससे कि आपको जो है मैं कई सारे उसको सीरीज़ में डिवाइड किया हूँ अपने वीडियो को। तो धीरे धीरे आप जो है आप उन वीडियो को आप पाएंगे और आप जो है ये सारे एरिया पे अगर फोकस करें तो चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या KBS का एग्ज़ाम हो आपको इससे जो है कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो एरिया है वो थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट का है। इससे क्या है कि आप देखते होंगे अगर पिछले साल का क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत सारी थियोरीज कौन उसको प्रोपाउंड किया है और किस ईयर में हुआ है ये जो है बिल्कुल पूछा जाता है और इसको पूछने का भी बहुत सारा तरीका है। आपने देखा होगा जैसे या तो मैच करने के लिए देते हैं या फिर आपका जो है वो चार ऑप्शन होता है ABCD उसको ईयर वाइज अरेंज करना होता है तो ये सारा जो है आपका आता है। कई बार क्या होता है कि आप जो है अगर एक का भी पता हो या दो का पता हो तो उससे जो है आप गेस करके सबका आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सारे थियोरीज का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए अगर आप जो हैं श्योर नहीं हैं तो हो सकता है कि आप जो है गलत आंसर करके आए और उससे जो है वो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाए और एक नंबर भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखता है। तो ये थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट है जिसको मैंने एक जगह करके रखा है। हालांकि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है आप कई सारे वेबसाइट कई सारे बुक में पाएंगे लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इसको ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ है। तो आप इस पे जो है आप रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन लिया गया है तो आप इसको एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एज अ शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिविज़न के लिए। ये इससे रिलेटेड नोट्स है जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो जो टर्म है वो किसने दिया किस ईयर में आया किसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और ये जो पीरियड है जो मैनेजमेंट का पीरियड है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे इससे पहले मैंने दिखाया बहुत सारी थियोरीज हैं तो ये भी पूछा जा सकता है जैसे पर्टिकुलर थियोरी है जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है तो वो किस पीरियड में आया तो ऐसे जो है क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो ये था मेरा पहला सेगमेंट थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट पे वो है लाइब्रेरी मैट्रिसेस का। ये बहुत ही कॉमन है आप देखेंगे जो आजकल टर्म्स है इन्फॉर्मेटिक्स वेबोमेट्रिक्स साइंटोमेट्रिक्स इसको अरेंज करने का भी आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये ट्रेंड रहा है या आता है। इसमें से जो है अभी एक नया टर्म आया है विजियोमेट्रिक्स इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल ही नया टर्म है विजियोमेट्रिक्स। इसमें क्या है जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स में जो है कई सारे इमेजेस होते हैं और उस इमेज में काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। उस इमेज को लेके एक अलग तरीके का मैट्रिक्स इवॉल्व हुआ है जिसको हम विजियो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एक प्रोजेक्ट के तहत हुए एंड वेस्ट ने इसको डेवलप किया है और ये 2016 में आया है। तो ये नया टर्म है दोस्तों, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो है आपका KV में या नेट में इसे पूछा जाए। अब मेरा अगला सेगमेंट है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। ये जैसे कि आपका देख सकते हैं विनिटी है आइनिस है एग्रिस है तो इन सब से जो है रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एग्रिस का हेडक्वार्टर कहाँ है आइनिस का क्या है
आईनेस जो है किस ईयर में आया, या तो अरेंज करने के लिए इसको दिया जा सकता है। OCLC का जैसे है, OCLC का कई बार आप देखेंगे जो है पास्ट क्वेश्चन, अगर आप देखें प्रीवियस ईयर का, तो OCLC से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। तो OCLC का अगर आप सर्विसेज देख लेते हैं, उनका क्या क्या सर्विस है, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बात करें, अभी जो है 2016 में सॉरी MHRD ने काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, अमृत वाणी है, ये सारा जो इनिशिएटिव है, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। क्योंकि आपका जो पेपर वन होता है, उस पेपर वन में एक आपका सिलेबस अगर देखें, तो कम्युनिकेशन करके एक चैप्टर है सिलेबस में, तो उस सिलेबस का ये पार्ट है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। स्वयं जो है वो दूरदर्शन के थ्रू जो है उनका जो है वो MOOC का एक प्रोग्राम है। स्वयं प्रभा भी जो है, जो डिफरेंट कोर्सेज इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, उनका एक चैनल है, उस पर वो जो है एक्सेस उसका रहता है। और हाल ही में ये अमृतवाणी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अमृतवाणी में क्या है कि डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या IIT है या IIM है, तो उसमें जो है जो यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है, या जो यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना जर्नल उन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो उसको जो है कलेक्ट करके डिजिटाइज करने का ये एक प्रोजेक्ट MHRD का चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट है वो लाइब्रेरी नेटवर्क का है। लाइब्रेरी नेटवर्क में क्या है कि आप अक्सर देखते होंगे ये कैलिब नेट, डेल नेट, पुणे नेट, ये सारा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस ईयर में बना है, उससे जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको जो है फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ कुछ कमिटी है जो लाइब्रेरी साइंस में बनी है, इस पे जो है आपको फोकस करना चाहिए कि कौन सी कमिटी किस पर्पस के लिए बनी है, कब बनी है, इससे जो है काफ़ी सारा जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से खास करके इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो नॉलेज कमीशन है, जो सैम पिट्रोडा का बना था, जो कि नॉलेज सोसाइटी के लिए जो रिकमेंडेशन आया था, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया था। एक जो नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट है, जो कि RRLF के अंतर्गत वो चल रहा है, जिसमें कि आपका जो है जितने भी छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं उनको जो है फंड देके, उनके मैन्युस्क्रिप्ट को उनको फंडिंग प्रोवाइड करके लाइब्रेरीज को जो है सपोर्ट किया जा रहा है, उनके कलेक्शन को जो है प्रिजर्व किया जा रहा है। तो एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक आपका जो है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करके प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि आपका IIT मुंबई में चल रहा है। उसमें जो वर्चुअल रिसोर्सेज हैं वो डेवलप किया जा रहा है, और वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो आप ये देख सकते हैं जो रिकमेंडेशन इनका सैम पिट्रोडा का नॉलेज सोसाइटी के लिए आया हुआ था। इसके बाद अगले सेगमेंट में चलते हैं, जो लाइब्रेरी है कुछ कुछ जो है बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, उनसे जो है खास करके क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ ऐसे नेशनल लाइब्रेरी हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। खास करके जो है एक आप लोगों को पता नहीं, पता होगा या नहीं, मैं बता दूं एक ट्रोव करके है, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रोव बेसिकली अगर आप गूगल पे सर्च करके आप ज़रूर उसे देखें, वो जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उससे बेस्ट किसी का कैटलॉग नहीं है। आप एक बार उसको देखें, वो व्यू फाइंड डिस्कवरी सर्विस का यूज़ करके काफ़ी बढ़िया उन्होंने डेवलप किया हुआ है। वो आगे अगर कभी थ्योरेटिकल लेक्चर में अगर करूँगा, तो उसमें मैं डिटेल में मैं बात करूँगा। हालांकि ये जो मैं अभी स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसका जो है आप लोकेशन, इसका ईयर भी अगर आप जो है आप ज़रूर अपनी तैयारी में इसको जो है स्टडी कर लें, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ये ऐसा एरिया है कि इससे क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं, चाहे अरेंज करना हो या फिर आपको जो है मैचिंग करने के लिए हो। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जैसे कि अगर आप ट्रेंड को देखें, तो इसमें जो है लाइब्रेरी रिसेस का है,
तो इसको घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन दे दिया गया हो, इसमें कहाँ पे शेष है कहाँ पे नहीं है, या फिर आपका चार ऑप्शन दे दिया, इसको जो है आप अरेंज कीजिए कहाँ पे जो है 5 पैसा शेष है कहाँ पे 8 पैसा शेष है, तो इसको जरूर फोकस करें, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये निश्चित है। आप प्रीवियस ट्रेंड को आप देख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा सेगमेंट है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन का है, जैसे किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस ईयर में बना, उसका पब्लिकेशन क्या है, कुछ कुछ जो है जैसे कॉन्फ्रेंस या सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो कब कहाँ हुआ था, ऐसे भी ट्विस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। और ये लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इससे जो है कई जगहों पे क्वेश्चन मिला है, आपके नेट और KVS के अलावा भी कई जगहों पे जो है मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि वो जैसे एग्जामिनेशन में आपका एसलिप जैसे है, इससे भी, क्योंकि इनका नाम जो है कई बार चेंज हुआ है, तो आप इस पे फोकस जरूर करें। और ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं, जैसे FID है, FID का भी नाम जो है काफ़ी बार चेंज हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। UDC कंसोर्टियम का है, और भी क्या क्या उसकी सर्विसेज हैं, तो इसको ज़रूर देखें। IFLA का जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखें, IFLA का फुल फॉर्म को लेके कई बार जो है वो घुमा के देते हैं, तो एक चीज़ मैं कहूँगा, आप जो है इस टेबल को काफ़ी सीरियसली इसको आप स्टडी कीजिए, और कई बार ट्विस्ट करने के लिए जो है कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप फोकस्ड रहें, आप जो है जो अपनी तैयारी अच्छे से करें। और दूसरी बात ये कहना है दोस्तों कि ये मेरा पहला लेक्चर है शॉर्टकट सीरीज़ का, इसके बाद आने वाले लेक्चर जो भी होंगे इन्हीं सारी एरियाज पे फोकस होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर दबाएं, और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लेक्चर चाहते हैं या कुछ भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था दोस्तों, थैंक यू।